महान भारत की अस्मिता का प्रतीक है गुजरात के समुद्र तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ धाम। सदियों पहले सोमनाथ पर हुए लगातार विधर्मी आक्रमणों के कारण गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु प्रदेश में हुआ था बड़ी संख्या में नागरिक स्थानांतरण। तमिलनाडु में रहने वाले सौराष्ट्र के उन्हीं मूल निवासियों के जीवन और योगदान को वर्णित करके भारत की सांस्कृतिक एकता को उजागर करने के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को चरितार्थ करते हुए गुजरात सरकार ने आयोजित किया सौराष्ट्र और दक्षिण के तमिलनाडु की संस्कृतियों का मिलन कराता एक भव्य महोत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम। वंदनम अभिनंदनम सौराष्ट्र तमिल संगम। चेन्नई में रोड शो के दौरान हुआ एक शंखनाद जहां भारत सरकार और गुजरात सरकार के मंत्रियों एवं अन्य महानुभावों की उपस्थिति में हुआ संगम के लोगों का आधिकारिक अनावरण, थीम सॉन्ग रिलीज और रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लॉन्च कार्यक्रम। चेन्नई के अलावा लगभग 12 लाख सौराष्ट्रियन लोगों के निवास स्थान वाले तमिलनाडु के अन्य शहरों में भी रोड शो के माध्यम से नागरिकों को संगम में आमंत्रित किया गया और सौराष्ट्र आने हेतु उनके लिए 10 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई। यात्रा के दौरान गुजरात के विभिन्न स्थानों पर अतिथियों का हुआ पारंपरिक सम्मान। वेरावल पहुंचने पर हुए भव्य स्वागत और अपने पूर्वजों की मातृभूमि पर मधुर सत्कार पाकर सौराष्ट्रियन तमिलों में पुनर्मिलन की भावना जागृत हुई और अग्रजों की धरती पर वे हुए नतमस्तक। माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया और अन्य गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में हुआ संगम का भव्य उद्घाटन। अतिथियों ने सबसे पहले प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का भ्रमण किया जहां उन्होंने सोमनाथ महादेव के दर्शन और आरती का लाभ उठाया तथा रात्रि में आयोजित लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वे अवगत हुए सोमनाथ के गौरवशाली अतीत से। केंद्र और गुजरात के माननीय मंत्रियों की प्रेरक उपस्थिति में आयोजित हुआ इंटरैक्शन विद लीडर्स कार्यक्रम जिसमें दोनों राज्यों के लोग जुड़े और अपने नेताओं से की रूबरू चर्चा। वहीं एक्सिबिशन एक्सपो में अतिथिगण परिचित हुए दोनों प्रदेशों की संस्कृति, शिक्षा एवं बुनाई, हस्तकला, चित्रकला और शिल्पकला जैसी विभिन्न कला विधाओं से। आगंतुकों ने बीच वॉलीबॉल, बीच हैंडबॉल और रसाकशी जैसे विभिन्न खेलों में भाग लिया और समुद्र तट पर बनाए गए दोनों प्रदेशों की संस्कृति को दर्शाते सुंदर रेत शिल्पों को देखने के अतिरिक्त ऊंट की सवारी का भी आनंद लिया। देश के गौरव समान एशियाई शेरों के घर यानी देवलिया नेशनल पार्क का अतिथियों ने भ्रमण किया तो द्वारका में भगवान द्वारकाधीश नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा पितृमोक्ष की महिमा वाले रुक्मणी मंदिर में दर्शन करके अतिथियों ने धन्यता का अनुभव किया। इसके बाद उन्होंने अति रमणीय ब्लू फ्लैग बीच शिवराजपुर का दौरा किया। आगंतुकों ने सोमनाथ और द्वारका के आसपास के गांवों का भी भ्रमण किया जहां स्थानीय ग्रामजनों ने उनका भावभीना स्वागत किया और पुनर्जीवित किया परस्पर पुराने संबंधों को। एकता के प्रतीक समान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करके और अद्भुत लेजर शो देखकर आगंतुकों ने अखंड भारत के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन गाथा जानी। तो नर्मदा घाट पर जाकर उन्होंने नर्मदा आरती का पुण्य लाभ भी उठाया। मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकारों ने दोनों प्रदेशों की संस्कृतियों को दर्शाती मनमोहक कृतियों को प्रस्तुत करके लोगों को किया मंत्रमुग्ध।
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, माननीय मुख्यमंत्री और अन्य महानुभावों की उपस्थिति में राजकोट में एक टेक्सटाइल चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित हुए दोनों राज्यों के कपड़ा उद्योग से जुड़े गणमान्य लोग। भावनगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चैलेंजर ट्रॉफी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात व तमिलनाडु के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तरह इस अनूठे संगम के माध्यम से साकारित हुआ सौराष्ट्र तमिल संगम उत्सव सदियों के संबंधों का।